लेटेस्ट अपडेट इन ECHS कार्ड। फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल यही है और ECHS कार्ड भारतीय जवानों को रिटायरमेंट के उपरांत गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में जो काम कर रहे हैं, जो आर्मी में काम कर रहे हैं, उन जवानों के लिए ये सुविधा है। तो दोस्तों, अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है और इसके लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले चिप सिस्टम था, बट वो एडवांस चिप सिस्टम नहीं था और ये चिप सिस्टम भी कुछ ही सालों से आया था, जिसके कुछ लाभ से के साथ साथ कुछ हानियां भी थी और कुछ बोगस आदमी या कोई भी परिचित व्यक्ति उसका लाभ उठा पा रहे थे। तो दोस्तों, अब सारा सिस्टम बायोमेट्रिक हो गया है और जो कार्ड होल्डर है उसके साथ साथ जो डिपेंडेंट्स है उसके थंब इम्प्रेशंस और उनकी डिटेल्स उस कार्ड में रहेगी आधार कार्ड के द्वारा, जिससे कि वो सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं और कोई भी थर्ड पार्टी जो उसका इंटाइटल नहीं है वो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, क्या क्या इसमें अपडेट आई है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल 2400 करोड़ रुपए का बजट होता है हेल्थ सर्विसेज देने के लिए। जो भारतीय जवान है, जो आर्मी से रिटायर्ड जो अफसर है या कोई भी जवान है, तो उनको 2400 करोड़ रुपए का लगभग हमारा बजट रहता है साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और वो सारी हेल्थ सर्विसेज के लिए होता है। तो क्या क्या डिपेंडेंट बेनिफिट हो सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जो इस कार्ड के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्यूचर रिटायरी है, जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं और कुछ टाइम बाद रिटायर होने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग जो सोल्जर जो काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एग्जिस्टिंग 16 KB का कार्ड है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास एग्जिस्टिंग 32 KB का कार्ड है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सर्विसेज प्योरली ऑनलाइन है और आप ECHS.in पे जाके और इसको अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो 1 जनवरी 1996 से पहले जो रिटायर हुए हैं, जो जवान हुए हैं, जो सैनिक जवान सैनिक रिटायर हुए हैं, वो इसको भर सकते हैं। इसके साथ में जो सैनिक 1 जनवरी 1996 से लेके और 31 मार्च 2003 तक जो रिटायर हुए वो भी इसको भर सकते हैं। इसके अलावा जो जिनके पास टेम्परेरी स्लिप है वो भी इसको भर सकते हैं। जिन सैनिकों की, जिन जवानों की जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, जो अपनी कार्यकाल के दौरान जिनको शहीद हो गए हैं, वो भी इसको भर सकते हैं, उनके डिपेंडेंट इस कार्ड को बनवा सकते हैं। और जिनका 32 KB का कार्ड जो गुम हो गया किसी कारणवश, वो भी इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 16 KB का जो कार्ड है, जो टेम्परेरी स्लिप है, उसको आप एक्सचेंज करके भी अपना स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं। और आपको बता दें, जिनकी 2003 के बाद यानी अप्रैल 2003 के बाद जो रिटायर हुए वो भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है वो इस कार्ड के लिए इंटाइटल नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। और ये सारी सुविधा आपको ऑनलाइन मिल जाएगी बड़े आसान चीज़ों में। आपको अपनी डिपेंडेंस डिटेल और अपनी पर्सनल डिटेल, इसके साथ में अपनी जो आईडी प्रूफ है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी डिटेल इसमें देने होंगे, अपने सिग्नेचर अपने देने होंगे, फोटोग्राफ देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल रखें सॉफ्ट कॉपी में, PDF में या JPG में। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आपको बता दें कि ये सारी सुविधा, इसके अलावा अगर आपको कुछ हेल्पलाइन चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर भी है। और ये सारी चीज़ें जो जो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप फैसिलिटेशन सेंटर से भी ले सकते हैं, रीजनल सेंटर से भी ले सकते हैं और स्टेशन हेडक्वार्टर पे जाके भी ले सकते हैं। आप ये सारी जानकारी आप अगर वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं, अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो ECHS पॉली जो क्लिनिक है वहाँ पे भी इसके हेल्प डेस्क लगाए गए हैं और वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन जानकारियों के विषय में और इनके बदले में कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको स्मार्ट कार्ड की कॉस्ट देनी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 200-400 रुपये है, वो कॉस्ट आपको देनी है। इसके अलावा आपको जो सहायता मिलेगी, जो भी आपको विचार विमर्श करना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बारे में आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो दोस्तों, ठगों से ज़रूर आप सावधान रहें और किसी को भी अपना कीमती पैसा नहीं दें। इसके साथ ही एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हैं बड़ी ही सावधानी के साथ डाल लें, अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी जो डिपेंडेंस डिटेल है बहुत सावधानी से डालें, क्योंकि एक बार जो डिटेल सीड हो गई वो फिर चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपनी सारी डिटेल डालें, फॉर्म को 2 बार 3 बार 4 बार जब तक समझ आए, जब तक पढ़े, और सारी डिटेल्स आप बिल्कुल एक एक करके धीरे धीरे डालें, कोई जल्दबाजी ना करें।
तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपको अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।